इंटरेस्टिंग वीडियोस के इस सीरीज़ में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, मच्छर हमारे सिर के ऊपर क्यों मंडराते रहते हैं। सिर पर मंडराने वाले मच्छरों में ज़्यादातर संख्या मादा मच्छरों की होती है। मादा मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों में रुचि रखती हैं, जिसे हम लगातार निकालते हैं। मच्छरों के शरीर पर एंटीना पर सेंसर लगे होते हैं, जो इन चीज़ों को पता लगाते हैं और भोजन के स्रोत का पता लगाने में उनकी मदद करते हैं। अगर हमारे घने बाल और उन पर कुछ सुगंधित पदार्थ जैसे तेल या जेल लगाया हुआ है तो इससे भी वह आकर्षित होते हैं। मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी पसंद होती है। ऐसे में जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सिर के ऊपर उड़ रहे मच्छर को इसकी गंध काफ़ी पसंद आती है। इसी गंध के आकर्षण के चक्कर में मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं। मच्छर को इंसान के शरीर से निकलने वाले पसीनों की गंध काफ़ी अच्छी लगती है। आपने अक्सर देखा है कि जिम या कसरत करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, मच्छरों की टोली आपके सिर को घेर लेती है। दरअसल सिर में बाल होते हैं, ऐसे में वहाँ का पसीना जल्दी सूख नहीं पाता और मच्छर इसी का फायदा उठाते हैं। मच्छरों को बालों में लगाए जाने वाले तेल की खुशबू भी काफ़ी पसंद आती है। मच्छरों को तेल की खुशबू लगते ही वो आपके सिर के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। मच्छर और कुछ अन्य प्रकार की मक्खियाँ आमतौर पर निर्जीव जगहों पर संगम करती हैं, जैसे कोई पेड़, लेकिन कभी कभी ये किसी इंसान या किसी और जानवर के सिर का भी इस्तेमाल करते हैं। मच्छर विशेष रूप से एक्टेनॉल, जो मानव पसीने में पाए जाने वाला एक रसायन है, के भी बहुत शौकीन हैं। इसलिए यदि हमें जब बहुत पसीना आ रहा होता है तो हम इनके आसान लक्ष्य बन जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।